Video number 323, and today we are going to talk about past routine. Very important topic from speaking point of view, because if you can talk about your past routine, you can talk about so many things. So this is the power of this topic. So this is our video number 323, and in previous video, that was lesson 1 on speaking, and this is lesson 2 on speaking. So in previous video, I taught you how to talk about your daily routine. And not only daily routine, I also taught you so many things, how you can join sentences, right? So watch that video first and then continue with this video. And one more thing, if you haven't recorded your video yet, then do it right now on your camera, and in camera talk about your daily routine and post your video in private Facebook group. If you are not the part of my private Facebook group, then join my 1 year course, because it is for the enrolled members. So download my app, its name is Become English Champion, from the Play Store, and enroll in 1 year course. So in the group, you can upload as many videos as you want. You don't need to join any coaching center. You can do speaking practice at the comfort of your home. So now let's talk about past routine. In previous video, I taught you these things, like अगर आपको फिर बोलना है तो आप यूज़ करेंगे देन, उसके बाद के लिए आफ्टर दैट, और किसी चीज़ के बाद के लिए लाइक आफ्टर प्लस नाउन, नहाने के बाद आफ्टर लंच के बाद आफ्टर लंच, ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्लास के बाद आफ्टर क्लास, सेमिनार के बाद आफ्टर सेमिनार, इस सेशन के बाद आफ्टर दिस सेशन. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ आफ्टर प्लस नाउन. अगर आपको ये बोलना है कि कुछ करने के बाद लाइक नहाने के बाद आफ्टर टेकिंग अ बाथ, तो आप ing फॉर्म लगाएंगे अगर वर्ब यूज़ करते हैं. सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर की थी, तो आप भी आज भी इनको यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सिर्फ वहीं पे यूज़ नहीं होंगी, हर जगह यूज़ होंगी आगे भी. तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एज सुन एज, जैसे ही, देयर आफ्टर, उसके बाद, द मोमेंट, जैसे ही, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, या क्या था या क्या होगा, then at last या lastly means अंत में, firstly सबसे पहले, you can start with this firstly, और soon after that उसके तुरंत बाद. तो soon after that मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, but now you can learn. जैसे आप बोलते हैं कि मैं उठता हूँ और उठने के तुरंत बाद, यानी कि उठने के तुरंत बाद, तो आप यूज़ कर सकते हैं soon after getting up, या उसके तुरंत बाद, soon after that. एक और चीज़ याद आ गई मुझे, so let me write it down for you. सो बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, सून आफ्टर और जेरेंड. तो इसका मतलब हो गया कुछ करने के तुरंत बाद. जैसे आप बोलते हैं उठने के तुरंत बाद, सून आफ्टर गेटिंग अप. तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे, एंड विद दिस यू कैन give any speech. So this is just a beginning, right? You will learn so many things. You can make your speech a beautiful speech, but you need to have good command over small speeches first. So now let's talk about past routine, ki aapne kal kya kya kiya. To pichli video mein humne kiya tha daily routine, jiska formula tha subject first form or other words, right? तो वहाँ पे आई का यूज़ हुआ था. अगर आई को आप रिप्लेस कर दें ही में, तो आप गेट जो था उसके आस साथ एस लगा दें. यू नो वेरी वेल, वीडियो नंबर 7 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. तो आज जो बात करेंगे वो करेंगे पास्ट की, मतलब कल मैंने क्या क्या किया, कल उसने क्या क्या किया, किसी ने भी. सो सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और अदर वर्ड लगाएंगे, और इन कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स का जो हमने यूज़ किए थे. तो आप बस देखते जाए, देखते देखते आपको एक आइडिया मिल जाएगा, देन यू कैन मेक योर ओन पास्ट रूटीन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट इज़ रिकॉर्डिंग. आफ्टर एवरी स्पीकिंग लेसन यू हैव टू मेक अ वीडियो. डोंट हेजिटेट, डिस्ट्रॉय योर फियर, एंड वेन यू आर अबव योर फियर, यू स्टार्ट गेटिंग ट्रमेंडस रिजल्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट आर पास्ट रूटीन. लेट्स सपोज कि मैं अपने रूटीन के बारे में बात कर रहा हूँ. सो हाउ कैन आई राइट, मैं
6 बजे उठा, आई गॉट अप, सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, सेकेंड फॉर्म, आई गॉट अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठा. नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई गॉट अप एट 6 AM, ये कहने की बजाय यू कैन से माई डे स्टार्टेड एट 6 AM. इसका भी वही मतलब है कि मेरा दिन 6 बजे शुरू हुआ, इसका मतलब मैं 6 बजे उठा, राइट? सो इस तरह से वो थोड़ा सा लैंग्वेज ब्यूटीफाई हो जाता है. माई डे स्टार्टेड एट 6 AM. फर्स्टली मतलब सबसे पहले, आई स्ट्रेच्ड अ लिटल, मैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच किया, टाइम लगा देते हैं फॉर 5 मिनट्स, मैंने मतलब 5 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेच किया. देन अब हमने यूज़ कर दिया कनेक्टर. देन आई ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मैंने पानी के 2 गिलास पिए, राइट? तो मैं थोड़ा साथ में कलर भी कर लेता हूँ. गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट जो लर्नर्स होते हैं दे डोंट बॉदर अबाउट टाइमिंग, सो दे डोंट मेक टाइमिंग अ हर्डल. सो उनको सीखना है, जैसे मर्जी सीखें, जितना मर्जी टाइम लगाएं, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. देन फिर मैंने 2 गिलास पानी पिए. अब मैं 2 गिलास पानी तो पिए, किस तरह का पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी, मैं इंक्लूड कर लेता हूँ गुनगुना पानी. आई ड्रिंक 2 ग्लासेज ऑफ ल्यूक वॉर्म वाटर. तो देखिए स्टेटमेंट कितनी अच्छी होगी कि मैंने गुनगुना पानी पिया 2 ग्लास. उसके बाद आफ्टर दैट आई वेंट टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट गया. फिर देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड फेस, राइट? मैंने अपने हाथ और मुंह धोया. अब मैं बोलता हूँ उसके बाद, आफ्टर दैट, एक हमने यहाँ पे भी लगा दिया था आफ्टर दैट, एक बार फिर यूज़ कर लेते हैं बिकॉज वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. सो आफ्टर दैट मैंने हाथ धोए, मुंह धोया, उसके बाद मैंने किया, लेट्स सपोज मैंने चाय पी, आई टुक टी, मैंने चाय पी. और चाय, ठीक है, चाय कितनी, 1 गिलास 1 कप, तो मैं 1 कप ले लेता हूँ. आई टुक अ कप ऑफ टी. तो जब भी आपको क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी आप समझते हैं, जैसे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, अ कप ऑफ टी, 1 कप चाय, अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का 1 गिलास, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का 1 गिलास, 5 kgs ऑफ शुगर, 5 किलो चीनी, अ हैंडफुल ऑफ शुगर मीन्स 1 मुट्ठी चीनी. तो ये जितनी भी क्वांटिटी बताते हैं, ये सब के बीच में ऑफ लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो ऑफ लगाना है जब भी आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताते हैं. तो मैंने बोला उसके बाद मैंने चाय पी, आई टुक अ कप ऑफ टी. चाय पीने के बाद, नाउ चाय पीने के बाद मीन्स आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद आई वेंट, मैं गया फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए गया. आई वेंट फॉर अ वॉक पास वाले पार्क में, इन द नियर बाय गार्डन. चलो पास वाले पार्क में, गार्डन में गया. आई वेंट फॉर अ वॉक इन द नियर बाय गार्डन. वॉक के बाद, अब मैं बोल रहा हूँ वॉक के बाद, आफ्टर द वॉक, वॉक के बाद आई, मैं घर आया, आई केम होम, सेकेंड फॉर्म, आई केम होम, मैं घर आया एट कितने बजे, 7:30 ले लेते हैं, एट 7:30 AM, मैं 7 बजे घर आया, राइट? सो साथ में हाईलाइट कर देता हूँ इनको, आप समझ सकें कि मैं किन किन चीज़ों को यूज़ करके ये पैराग्राफ लिख रहा हूँ, राइट? ओके फाइन. तो देखिए अब हमने यूज़ कर लिया आफ्टर द वॉक मीन्स आफ्टर प्लस नाउन, यहाँ पे आफ्टर प्लस जेरंड, देन ये तो ऊपर तो सिंपल है. तो मैं 7:30 घर आया. घर आने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कमिंग होम, नहीं करना तो वेराइटी ऐड कर दें, हैविंग कम होम,
means having plus third form. घर आने के बाद having come home, I took some rest. मैंने थोड़ी देर आराम किया. तो यहाँ पे having plus third form. मैंने थोड़ी देर आराम किया. Then फिर I took a bath. मैं नहाया. कैसे नहाया? With hot water. गर्म पानी के साथ. तो यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म, फुल स्टॉप. और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये जो कोमा वगैरह मैं लगा रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पर लगाना है, तो अभी भी सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. देन आई टुक अ बाथ, फिर मैं नहाया हॉट वाटर से, गर्म पानी से. रीज़न देना चाहते हो बिकॉज लगा लो. बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे, मतलब क्योंकि कल बहुत ठंडा था. ठीक है, कल बहुत ठंड थी. उसके बाद आफ्टर दैट मैं तैयार हुआ. आई गेट रेडी का हो गया आई गॉट रेडी या गॉट ड्रेस्ड. आई गॉट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस. फॉर मतलब रीज़न बताते हैं. आई गॉट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए तैयार हुआ. सून आफ्टर दैट, उसके तुरंत बाद. सून आफ्टर दैट आई took breakfast, मैंने नाश्ता किया. टाइम भी लगा लेते हैं. एट 8:15 AM तो उसके तुरंत बाद मैंने क्या किया? ब्रेकफास्ट किया. फिर देन मैं मतलब गाड़ी से काम पे गया. आई ड्रोव टू वर्क. आई ड्रोव टू वर्क मान लो चंडीगढ़ में, इन चंडीगढ़. तो ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है, तो यहाँ पे ड्रोव का यूज़ किया है. तो आप ऐसे भी बोल सकते थे आई वेंट टू वर्क बाय ड्राइविंग, बट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है. आई ड्रोव टू वर्क मतलब गाड़ी चला के मैं वहाँ पे गया. उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद क्या किया? After that, I did या फिर I worked from 9 to 5 PM. ठीक है, मैंने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम किया. उसके बाद after that मैं घर आया. I came home. I came home at around, मतलब लगभग at around कितने बजे? Let's suppose 6 बजे बोलता हूँ. I came home at around 6 PM. Right? Okay. And now अब मैं बोलता हूँ कि घर आने के बाद आप बोल सकते हैं after coming home. तो मैं आफ्टर ING नहीं लेता, मैं हैविंग यूज़ करता हूँ. हैविंग कम होम, घर आने के बाद आई प्लेड या फिर आई वेंट टू द पार्क. आई वेंट टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ पार्क में गया. आई वेंट में गया टू द पार्क, पार्क में विद माय फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ. क्या करने गया? टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने. और कितने से कितने बजे तक? छोड़िए, ये बोलता हूँ आधे घंटे. फॉर हाफ एन आवर. तो देखिए सेंटेंस भी बड़ा हो गया. हैविंग कम होम, घर आने के बाद आई वेंट टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स टू प्ले फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर. राइट, तो छोटे छोटे से मैं आपको और भी इनको खूबसूरत बना के दिखाऊंगा, और आप भी नोटिस करेंगे कि किस तरह से ब्यूटिफाई यू कैन अपनी लैंग्वेज को आप कर सकते हैं. राइट, तो ध्यान से देखते जाएं बहुत सारी चीज़ें. अभी तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, तो धीरे धीरे जब वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा. तो आई वेंट टू द पार्क विद माय फ्रेंड्स टू प्ले फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, इसको कलर कर देते हैं. ओके फाइन, तो अब मैं बोलता हूँ उसके बाद जैसे ही मैं घर आया. एज सून एज आई केम होम, ठीक है,
मैं बोलता हूँ लाइट चलेगी, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. तो मैं बोला आई वेंट टू द पार्क, पार्क गया फुटबॉल खेलने आधे घंटे और जैसे ही मैं घर आया बिजली चली गई. तो हमने ये भी यूज़ कर लिया एज सून एज, राइट. ये भी आ गया. और भी बहुत सारे मैंने आपको कनेक्टर्स ऑलरेडी करा रखे हैं ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस, तो आई डोंट नो आपने कितने किए हैं. तो यहाँ तक हो गया, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. फिर देन आई ड्रैंक, मैंने एक ग्लास जूस पिया, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस. ठीक है, जूस पिया. और अभी और कनेक्टर ले लेते हैं, इनमें से कुछ यूज़ करते हैं. तो हाँ, नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट भी रह गया, हमने नेक्स्ट नहीं किया. फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट आई सर्व्ड ऑन द इंटरनेट. मैंने इंटरनेट पे सर्व किया. सर्व आप समझते हैं इधर उधर कुछ कुछ ढूंढते रहना. आई सर्व्ड ऑन द इंटरनेट एंड ऑपरेटेड फेसबुक तो ये आ गया. मतलब फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने इंटरनेट सर्व किया और फेसबुक चलाया. अब मैं कुछ और यूज़ करता हूँ उसके इंटरनेट के बाद, आफ्टर, चलो उसके बाद, आफ्टर दैट आई टुक डिनर, मैंने डिनर किया, राइट. तो मैं बहुत बारीकी से, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे रहा हूँ यूज़ करने का. बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे जैसा भी होगा. तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सो दैट एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाए ये सारा. ओके फाइन. आफ्टर दैट आई टुक डिनर, फिर मैंने डिनर किया. डिनर करने के बाद, आफ्टर टेकिंग डिनर, मैंने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की. आई प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग इंग्लिश. उसके बाद ओके लास्टली बोलते हैं, लास्टली और लास्ट में, लास्टली और अंत में. अंत में क्या किया, आई वेंट टू स्लीप एट अराउंड भी छोड़ते हैं, एग्जैक्ट टाइम लिखते हैं 11 PM. ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करें, हमने यहाँ पे इतने सारे ये यूज़ करे कनेक्टर्स. तो अब देखिए, अब इसको आप पढ़ के देखिए. वेल माई डे स्टार्टेड एट 6 AM. फर्स्टली आई स्ट्रेस्ड अ लिटल फॉर 5 मिनट्स, देन आई ड्रैंक 2 glasses ऑफ ल्यूकवॉर्म वाटर. आफ्टर दैट आई वेंट टू टॉयलेट, देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड फेस. आफ्टर दैट आई टुक अ कप ऑफ टी. आफ्टर टेकिंग टी आई वेंट फॉर अ वॉक इन द नियर बाय गार्डन. आफ्टर द वॉक आई केम होम एट 7:30 AM. Having come home, I took some rest. Then I took a bath with hot water because it was too cold yesterday. After that, I got dressed for office. Soon after that, I took breakfast at 8:15 AM. Then I drove to work in Chandigarh. After that, I worked from 9 to 5 PM. After that, I came home at around 6 PM. Having come home, I went to the park with my friend to play football for half an hour. As soon as I came home, the electricity went off. Then I drank a glass of juice. Next, I served on the internet and operated Facebook. After that, I took dinner. After taking dinner, I practiced speaking English. Lastly, I went to sleep at 11 PM. तो देखिए कितनी सारी variety add करी हमने और तैयार कर दी अपना past का routine. तो ये तो एक normal था. तो यही चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है, बस आपको practice करनी है guys. Practice करते जाएं, करते जाएं. But remember one thing. Until you practice, you are not going to get any results. Videos are so many on the internet, but if you don't do speaking practice,
you are not going to get any results. So this is what you have to keep in your mind. Speaking is easy, but you need a platform, and I have that platform. If you want to do speaking practice, then join my 1 year course, and it's very affordable, just $5.99 for 1 year. You will get access to plus 500 videos. All videos are step by step, and there, you know, I think I don't need to tell what is inside that. Everything has been covered. So one word is enough. Join, right? So this was our video number 323. Now your task is, you have to first write down your past routine. What did you do yesterday? And then try to speak in front of camera. Record yourself. No matter how many mistakes you make, irrespective of your mistakes, you have to, you know, speak something, because speaking comes only by speaking. And you have platform, you have everything, but you need to have curiosity. All the things are of no use until you have the curiosity. And those who have curiosity don't need anything. They get everything done. So thank you for watching this video. और अब अगली वीडियो में मिलते हैं, और मेरे 1 year के कोर्स में आप एनरोल जरूर कर लें. टाइम बचेगा आपका, और कुछ पैसे बचाने के लिए आप इधर उधर धक्के खाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस. ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम, देन इन्वेस्ट योर प्रीशियस हार्ड अर्न मनी इन माई 1 year कोर्स, बिकॉज यू विल बिकम इवन बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इन द इनिशियल फेज इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. So thank you for giving your precious time, and make it even more precious by enrolling in my 1 year course. Thank you.